इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक एप्लीकेशन मनी होता है इसमें, फिर क्या होता है इसमें, सेकंड अलॉटमेंट मनी रहता है, फिर कॉल्स ऑन शेयर्स होता है। देखो, एप्लीकेशन को आप लोग क्या बोलते हो, आवेदन है ना। बेसिक आवेदन। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपन आज, है ना। कॉल्स ऑन यस शेयर्स मैम। है ना, फिर क्या होता है इस पे। देखो, शेयर्स का जब मनी कॉल करते हैं, सपोज एग्जांपल, अगर एक शेयर 100 रुपीज का है तो एप्लीकेशन पे अगर 30 मंगवाया, अलॉटमेंट पे 40 मंगवाया, तो कॉल पे कितना मंगवाएगा, ये हो गया 70 और इसका बचा एक 30, ठीक है। फिर एक इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, जो वो कैसे होता है, एक पार पे होता है, मतलब सम मूल्य पे होता है, ठीक। फिर एक किस पे होता है शेयर्स का इश्यू, निर्गम प्रीमियम पे होता है, और तीसरा किस पे होता है, डिस्काउंट पे होता डिस्काउंट है ना। डिस्काउंट मतलब बट्टा। प्रीमियम को क्या बोलते हो, प्रीमियम ही रहता है मेरे ख्याल से ना। पार पे क्या होता है, यस मैम। पार पे क्या होता है, इस पार पे क्या होगा, अगर शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो 100 रुपए में ही इशू करेंगे। प्रीमियम पे क्या होता है, सपोज 20% प्रीमियम पे लिया है तो शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 + 20 120 हो जाएगा, और अगर वही 20% डिस्काउंट हो जाएगा तो 100 - 20 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। एक चीज याद एटी रखना है ना, लेकिन शेयर्स की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, कितनी रहेगी, 100। जो भी हमको बॉन्ड दिया जाता है, जो भी कंपनी हमको फ्यूचर में जो भी हमको बॉन्ड इश्यू करेगी, उस पे एक चीज याद रखना, 100 रुपीज ही लिखा होगा। अगर मान लो, अगर हमने डिस्काउंट पे लिया है शेयर्स, 100 रुपीज का शेयर अगर हमने 20% डिस्काउंट पे लिया तो कितने में मिलेगा, 80 रुपीज में मिलेगा हमको। लेकिन याद करना, एक रिडीमेबल, रिडीमेबल क्या होता है, रिडीमेबल वर्ड क्या होता है, रिडम्पशन सुना है आप लोगों ने, क्या यस मैम। होता है रिडम्पशन, मीनिंग बताना मेरे को, मीनिंग रिडम्पशन की, शोधन बोलते हैं मेरे ख्याल से। जब शेयर्स कंपनी क्या करती है, इसके पैसे हमसे हमको वापस देती है। सपोज अगर हमने 100 शेयर्स लिए थे, सॉरी 100 शेयर्स लिए थे हमने कंपनी के 100 रुपए वाले, और सपोज 20% डिस्काउंट पे लिया था हमने, तो एक शेयर हमने कितने में लिया था, 80 में, तो 100 × 80 कितना हो गया, 8,000 हुआ। लेकिन जब कंपनी करेक्ट। रिडीम करती है शेयर्स, सपोज हमने शेयर्स कंपनी ने लिए थे 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए लिए थे, तो जब कंपनी उसको रिडीम करेगी, मतलब जब शोधन करती है, वापस करती है शेयर्स के पैसे, तब हमको 80 रुपए से वापस करेगी कि 100 रुपए से करेगी, बताओ। और कोई, और कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेगा, रिया, ऋतु, प्रिया, मैम 100। 100 से याद रखना, 100 से ही लिखेगा, वापस करेगी, क्योंकि जो फेस वैल्यू होती है शेयर्स की वही रहती है। दूसरा देखो इसमें क्या होगा, अगर आपने प्रीमियम पे लिया है, सपोज अगर आपने शेयर्स किस पे लिया है, प्रीमियम पे, तो यानी आपने 100 का शेयर्स अगर 20% प्रीमियम पे लिया है तो 120 हो गया। इट मींस आपने परचेज किया था 120 में, लेकिन जब आपको रिडीम करेगी, रिडीम, रिडीम वर्ड याद कर लेना सब, रिडीम मतलब, देखो आप लोगों ने जब सेकेंड ईयर तक अकाउंट्स पढ़ा था, आपने सिर्फ इशू की एंट्री की थी है ना, लेकिन अब मैंने कल बोला था कि हम एडवांस वर्जन में जाएंगे थोड़ा, तो हम रिडीम की भी एंट्री करेंगे। इट मींस जब कंपनी पैसे वापस करेगी, तो हम क्या करेंगे, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे इश्यू का, निर्गमन, निर्गमन के साथ हम शोधन के भी एंट्रीज करेंगे कि 10 साल के बाद जब कंपनी पैसे वापस करेगी। तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है आप सबको पता है, बट एक रिविजन कर लेते हैं अपन। तो रिडीम करने के टाइम, जब हमने प्रीमियम पे लिया है सपोज 120 का, तो कंपनी हमको शेयर्स का अमाउंट रिटर्न कितना करेगी, 100। आ रहे हैं समझ में, ये 120 में हमको रिटर्न नहीं करेगी, हमको रिटर्न कितना ही करेगी, वो सिर्फ
100 रुपए, क्योंकि 100 हाँ फेस वैल्यू ऑफ जो शेयर है उसी में करेगी। आ रहा है समझ में? यस मैम। अब बेसिक एंट्री स्टार्ट करें अपन आज की, कुछ और समझना है आपको? एंट्री स्टार्ट करते हैं मैम। स्टार्ट करते हैं। देखो अगर कहीं पे कुछ समझने में डाउट है या विजिबल नहीं होगा तो आप लोग मेरे को तुरंत बताना। यस मैम। अब देखो इश्यू ऑफ शेयर्स है या तो एट पार पे होगा, ठीक, या फिर प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट में। कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना हिंदी इंग्लिश करके? नो मैम। नहीं है ना? देखो जहां पे इश्यू हो तुरंत बता देना। और आप लोग एंट्रीज किस में लिखेंगे एग्जाम में, हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे? हिंदी में लिखोगे मैम। हिंदी में लिखोगे आप? ओके। देखो फर्स्ट एंट्री जब क्या करते हैं, सपोज अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं आप ही के बुक का। बुक है सबके पास? यस मैम। यस मैम। ठीक है देखो एग्जाम्पल वन लेती हूँ मैं आपकी बुक का। मैं इसको शॉर्ट समरी में क्वेश्चन लिखती हूँ। देखो ईस्टर्न कंपनी है। आप नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन को यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में रख दूंगी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आज अपन ऐसे ही बेसिक करके देखते हैं, कल से हम बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन विजिबल रहेगा, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है? ओके। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए की राशि के 40,000 समतांश मतलब इक्विटी शेयर्स निर्गमित किए, जिन पर देय राशि मतलब अब देखो आवेदन पर मतलब एप्लीकेशन पे कितना कॉल कर रही है 4, अलॉटमेंट पे कर रही है 3, और प्रथम तथा अंतिम मांग मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कर रही है, ये कितना हुआ बताओ? तीन हुआ, प्रथम तथा अंतिम मांग पर ये तीन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेसिक एंट्री करेंगे अपन, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? देखो जब अपन एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, किसी ने अगर अप्लाई किया तो वो क्या करता है, हमको पैसे पे करता है। तो उसकी बेसिक पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री करते हैं अपन। क्या लिखते हो तुम लोग इसको? यस मैम। बैंक खाता विकलित, हाँ मतलब सॉरी इसको क्या बोलते हैं, अंश आवेदन खाते से, है ना? तो देखो कितना करोगे, 4 रुपीज से, ठीक है? कितने शेयर से? 40,000। तो 40,000 इंटू 4 कितना करोगे? 1,60,000 आएगा। यस मैम। ठीक है, फिर क्या करते हैं सेकेंड एंट्री में अपन, जो ये शेयर एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है इसको अपन किस में ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी कितना करते हैं? 1,60,000। मतलब जो एप्लीकेशन मनी है हमने उसको क्या किया, ट्रांसफर किया किस में? शेयर कैपिटल अकाउंट से। अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे, उसके बाद आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली, ठीक है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली कितने की एंट्री थी? 3 रुपए की थी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपए का शेयर था ये भी, 1,20,000 से। फिर लास्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका पूरा पैसा मिल जाएगा 1,20,000 करके।
ये बेसिक एंट्रीज है, सिंपल। इसमें कोई देखो ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम टफ टफ क्वेश्चन ही पूछेगा, तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। क्लियर है सब? मैम ये अलॉटमेंट का एंट्री तो लिखे हैं लेकिन उसका अमाउंट 1,20,000 मैंने नहीं लिखा है इसमें, वो डिलीट हो गया होगा। देखो 1,20,000 थर्ड एंट्री डिलीट कर दी थी बेटा मैंने, सेकंड और थर्ड एंट्री को बताऊं फिर से, थर्ड और फोर्थ एंट्री। हाँ थर्ड से बताइए, शुरू से थर्ड से। थर्ड से कहाँ कहाँ पे फेस हुआ देखो, अब मैं एक हाईलाइट करती हूँ तुम देखती हो। ये वाली फोर्थ एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ये फोर्थ हो गई। फिर ये देखो ये फिफ्थ, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये फिफ्थ एंट्री हो गई। Yes, ma'am. और ये रही सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करूं। किसी की और कोई एंट्री छूटी है? अब थर्ड वाली बची होगी मेरे ख्याल से तुम्हारी। थर्ड बताऊं? Yes, ma'am. देखो थर्ड एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000। किसी का और कुछ छूट है? नो मैम। नो मैम। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसमें? क्लियर है ना? ओके यस मैम। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक। थोड़ा अपन प्रीमियम पे चलते हैं, अभी प्रीमियम वाली एंट्री करते हैं। बेसिक से देखो, हार्डवर्डिंग मत करना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। देखो किसी किसी को आता भी होगा, कोई बात नहीं, बेसिक से स्टार्ट करो, फिर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में, फिर कल से डायरेक्ट जो मेन क्वेश्चन होते हैं ना उस पर जाएंगे। आ रहा है समझ में? फिर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसलिए आज आराम से बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। इसमें हेडिंग डालना कॉल इन एरियर्स, क्या होता है कॉल इन एरियर्स, सुना है वर्ड? मैम। नो मैम। नहीं। नो मैम। कॉल इन एरियर्स सब लिखते जाना है साथ में। मांग पर बकाया राशि, देखो क्या होता है, जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल हो, जैसे समझो सब लिखते जाना है साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट गड़बड़ मत करना। समझो जैसे 10 रुपए का शेयर है, तो एप्लीकेशन पे अगर उसको 4 रुपए किया, लास्ट वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूंगी मैं, अलॉटमेंट पे 3 और प्रथम एवं अंतिम मांग पे मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कितना ले रहे हैं 3, तो देखो इसका पूरा टोटल कितना हो रहा है 10 रुपए हो रहा है, ठीक है। शेयर्स कितने थे अपने पूरे उसमें? 40,000 शेयर्स थे सपोज, ठीक। तो जब हमने ये वाली मांग की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, तो कोई एक पर्सन होगा जिसके 100 शेयर्स रहे होंगे, उसने इसका अमाउंट पे नहीं किया, आ रहा है समझ में? तो जो इसका अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मांग पर बकाया राशि, कॉल इन एरियर्स। आया समझ में? मैम एक बार। नहीं नहीं एक बार देखो, जैसे एक शेयर है 10 रुपए का, ये इसको डिवाइड किया है एक एप्लीकेशन पे, एक अलॉटमेंट पे और एक प्रथम एवं अंतिम मांग मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कंपनी पहले एप्लीकेशन के 4 मांगी, फिर अलॉटमेंट के मांगी और फिर किसके मांगी, प्रथम एवं अंतिम मांग के। क्वेश्चन में दिया आपको एक अंशधारी मतलब एक शेयर होल्डर है, उसने 100 शेयरों पर
प्रथम एवं अंतिम मांग के पैसे नहीं जमा किए, अ शेयर होल्डर हु हैज 100 शेयर्स, क्वेश्चन में देखो ऐसे दिया रहेगा, डज नॉट पे अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये सपोज एक ऐसे दे दिया है, हिंदी में दिया रहेगा एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे उसने प्रथम एवं अंतिम मांग के पैसे जमा नहीं किए की राशि है ना, जमा नहीं की। आया समझ में क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल शेयर्स कितने हैं कंपनी के? 40,000। अब आपको तो देखो उस समय जो पुरानी एंट्री को निकालो है ना, पुरानी एंट्री को निकालोगे तो फिफ्थ एंट्री, वो मैंने काय की एंट्री करवाई थी, ड्यू की एंट्री की। जो देखो एक चीज याद रखना, जो एप्लीकेशन की मनी होती है, जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है, ये जो फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन होता है उसकी जो एंट्री होती है वो दूसरी एंट्री से अपोजिट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन का पैसा हमको पहले मिलता है और हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर बाद में करते हैं, मतलब सेकेंड एंट्री में। और इसके बाद वाला क्या होता है, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या होता है, हम ड्यू की एंट्री पहले करते हैं कि मतलब शेयर कैपिटल, मतलब पूंजी खाते में इतना पैसा आना चाहिए। तो देखो उस समय फिफ्थ एंट्री क्या की थी आप लोगों ने, फिफ्थ एंट्री क्या की थी बताओ मेरे को, अरे बताओ फिफ्थ एंट्री क्या की थी लास्ट टाइम आपने? इक्विटी शेयर, अंतिम खाते में फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फिर सिक्स्थ एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये एंट्री की थी है ना। तो देखो मैंने आपको दो चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। फर्स्ट एंट्री आपने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकेंड एंट्री क्या की थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये की थी। देखो जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है ये दो, और ये वाली जो दो एंट्री की हमने जस्ट उल्टी है ना, इसमें पहले ये वाली की है देखो जो इसमें सेकेंड में की थी, और सिक्स्थ में ये बाद में की है बैंक वाली, इसमें पहले की थी। आ रहे समझ में? घूम गए, कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया? बताओ मैम एक बार और। देखो जो फर्स्ट एंट्री करते हैं अपन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, करते हैं कि नहीं? फिर क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन को किस में ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। लेकिन capital में। जब अपन अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले करते हैं और बैंक वाली एंट्री क्या करते हैं अपन बाद में करते हैं, ये करते हैं बाद में, है ना। इतना आया समझ में? यस मैम। रीजन क्या होता है ये करने का, रीजन क्या है? देखो इसमें क्या होता है, पहले पैसे मिलते हैं, आवेदन जब लोग करते हैं तो पैसे दे के आवेदन करते हैं, और जितनी आवेदन की राशि आ जाती है मतलब एप्लीकेशन की जितनी अमाउंट आ जाती है फिर वो अपन ट्रांसफर करते हैं यानी हस्तांतरण करते हैं किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। लेकिन इसके बाद क्या होता है, अपन को पैसे मांगने पड़ते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं पहले ही अमाउंट को ड्यू कर देते हैं कि शेयर कैपिटल में मतलब पूंजी खाते में इतने पैसे आने हैं ड्यू। तो देखो ये जो कॉल इन एरियर्स की एंट्री होगी ये तो आपकी 1,20,000 से होगी, ये देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 1,20,000। लेकिन जब हमको ये पैसे अब मिलेंगे, अब मैंने क्या बोला कि 100 शेयर्स ने ये पैसे पे नहीं किए, तो कितने शेयर होल्डर्स ने पे किए अमाउंट, 39,000।
सॉरी 39, 900 ने ये पैसे क्या किए अब पे किए. देखो 40 थे, 100 ने नहीं पे किए, तो अब कितनों ने पे किए? 39 39,900. हाँ कितने रुपए पे किए इन लोगों ने? 3 रुपए. हाँ ये देखो फाइनल कॉल का मनी कितना है? Yes, रुपए ना? Yes, चलो मल्टीप्लाई करो 39,900 × 3. आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो देखो इस इतनी घुमा के एंट्रीज देगा तो ध्यान देना. तो ये देखो कॉल इन एरियर्स हो गया. अब इसके बाद एक चीज समझो, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम. एंट्री नोट? नो मैम. एंट्री नोट किया आप लोगों ने? देखो और आप लोग क्या कर सकते हो, अब एक चीज और देखो इसमें. अब देखो जैसे अभी अपने एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट की, किससे की हमने? इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है, इसके बदले तुम एक और एंट्री कर सकते हो. देखो समझते जाओ कॉन्सेप्ट. बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, फिर लिखोगे कॉल इन एरियर्स. कॉल इन एरियर्स मींस मांग पर बकाया, बकाया राशि, है ना? कॉल इन एरियर्स डेबिट टू, माइक म्यूट कर लो बेटा. कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करोगे? इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो देखो यहाँ पे आप अमाउंट कितना लगा था आप लोगों ने? 39,000. सॉरी 39 नहीं था, 119,700. और यहाँ पे कितना आएगा? देखो 100 शेयर्स का 300 रुपए नहीं दिया उसने, है ना, 3 रुपए के हिसाब से. तो ये 300 हो गया और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 9,900. अगर बोलेगा कि जो कॉल इन एरियर्स ऐसे अंशधारी जिन्होंने अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने याचना पर बकाया राशि रहती है, मांग पर बकाया, तो अगर कंपनी के उसमें लिखा है तो कंपनी क्या करती है? 10% इंटरेस्ट लेती है, ब्याज लेगी सालाना एनुअली. देखो ये एनुअली लिखा है, ठीक. तो मान लो अगर उसने 2 महीने लेट से दिया है, सपोज 10% है, तो कंपनी कैसे निकालेगी? 300 का 10%, और मान लो इसने 2 महीने तक लेट किया, तो 300 का 10% कितना होगा बताओ? 30 रुपए. 30. 2 महीने का कितना होगा? 2/12, 2 × 1 = 2, 6 × 6 = 5. तो इंटरेस्ट ब्याज कितना लेगी कंपनी? 5 रुपए 2 महीने का. आया समझ में?
यस मैम। अब इसकी एंट्री कैसे बनाओगे? अगर आपको बोलता है कि आपको कॉल इन एरियाज में इंटरेस्ट देना है और आपको उसकी एंट्री बनानी है, माइक म्यूट कर लो बेटा। देखो क्लास ना रिकॉर्ड होती है, तो आप माइक म्यूट कर लो। क्या होगा, मान लो आपको अगर ये टॉपिक फिर से समझना है तो आप लोग क्या करोगे, आपके इसमें ना ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये जो भी हम क्लास में कर रहे हैं डिस्कस, तो आप फिर से वीडियो को सुन सकते हो। आपको पता है कि नहीं पता ये? पता था आपको? No, मैं नहीं पता था। देखो कभी आपको कोई टॉपिक अगर फिर से समझना हो, है ना, सपोज, और आपको रिवीजन करना है, तो आपका ये वीडियोस कुछ टाइम के बाद जब वहां पे अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, तो फिर आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी होगी। चलो अब अपन एक एंट्री बनाते हैं कॉल इन एरियर्स की। देखो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि ब्याज की उस पर बनाना है, तो एंट्री देखो उसकी क्या बनती है, सन्ड्री मेंबर्स, ये क्या होता है, मेंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, अंशधारी, है ना, अंशधारी खाता, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। कितना कैलकुलेट किया हमने अभी, 5 रुपए, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे आप लोग इसमें, सपोज उसने अमाउंट पे कर दिया, तभी तो वो ब्याज दे रहा है ना, वो अमाउंट अब पे करना चाहता है अपना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। तो कॉल इन एरियर्स का इसका था 300 रुपए, ब्याज था इसका 5, तो इसका टोटल हो गया 305। फिर लास्ट में क्लोजिंग बनती है एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस खाते में डाल देते हैं, 1000 रुपए, 500 रुपए। ये आप लोग शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हो, ये सन्ड्री मेंबर्स की जगह कोई वो नहीं है, शेयर होल्डर्स ही लिखो तो ज्यादा सही है। आ रहा है समझ में एंट्रीज कॉल इन एरियर्स की? बोलेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। म्यूट करो बेटा, किसी का माइक म्यूट नहीं है, माइक म्यूट करो।